बस्ती में एक 17 साल की किशोरी की चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। किशोरी का शव खेत में खून से लथपथ मिला है। किशोरी की हत्या का ये सनसनीखेज मामला वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव का है, जहां घर से करीब 1 किलोमीटर दूर गेहूं के खेत में किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को किशोरी का जन्मदिन था और वो रात में किसी परिचित को जन्मदिन का केक खिलाने के बहाने घर से बाहर आई थी। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया और रविवार को गांव के ही एक खेत में उसका शव पाया गया। यश कुमार, ये मेरी मामा की लड़की है। मुझे सुबह पता चला कि वो कहीं पर गुम हो गई है, तो घर के बगल वगल सब लोग खोज रहे थे, तो घर से थोड़ी एक ज़्यादा दूरी पे गए तो पता चला कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। अच्छा, हम नहीं लाश देखे, मेरी मामी थी, वो लाश देखी थी। हाँ, इसी जगह पे मिला, लेकिन थोड़ी दूर पे उसको घिसराया गया था, खींचा हुआ था लाश को, और देखे शरीर पे एक वस्त्र भी नहीं था उसके। अच्छा, कोई हथियार वगैरह लगा है? चक्कू से मारा गया है, और जो मारा था उसका सूज भी वहाँ पे है। अच्छा। वहीं किशोरी की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि किशोरी के शरीर पर चाकू से वार के निशान मिले हैं और फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुट गई है। 2 जनवरी की प्रातःकाल 8 बजे थाना वाल्टरगंज में ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना वाल्टरगंज की चौकी गणेशपुर में ग्राम गौरा में एक युवती की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका की पहचान की गई। मृतका गौरा गांव की रहने वाली है। कल मृतका का जन्मदिन था। परिवारजनों ने जैसा बताया कि कल संभवतः रात्रि में किसी परिचित को केक खिलाने के बहाने वो घर के बाहर आई है। ऐसा प्रतीत हो रहा प्रथम दृष्टया कि हत्या चाकू मार करके की गई। उसकी बॉडी पर कई सारे स्टैब वाउंड्स हैं। बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा कराया जा रहा है। परिवारजनों से और जानकारी प्राप्त की जा रही है। इनसे तहरीर लेकर मुकदमा लिखा जाएगा और शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी जल्द से जल्द जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।